हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम एंड वेलकम टू माय चैनल। ऑलराइट गाइस, सम पैकेज में अनदर वीडियो। सो बाय द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, यू मस्ट हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट आई बॉट अ न्यू हेलमेट। नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी सेइंग व्हाई आई बॉट अ न्यू हेलमेट इवन दो आई हैव दिस SMK बॉम्ब हेलमेट। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, आई नेवर लाइक दिस हेलमेट। मुझे हेलमेट अच्छा बिल्कुल नहीं लगा और देर आर मेनी रीजन्स फॉर दैट विच आई विल टेल लेटर इन दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस नॉइज, दिस वन। बेसिकली देर इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन साइड माई बाथरूम, मीन्स कुछ तो भी लीकेज का प्रॉब्लम आ गया था उसके लिए। सो गाइज प्लीज बेयर विथ मी। सो वाई आई बॉट दिस SMK हेलमेट इवन दो आई वॉज नॉट लाइकिंग दिस हेलमेट। Now, before owning this helmet, I was having an LS2 helmet which went stolen in City Center Mall over here in Nashik. Then I was searching for helmet, main LS2 helmet ke liye dhoond raha tha, but I did not find that, so I end up buying this helmet. Abhi ye helmet lene ke ek mahine baad se hi mujhe helmet kabhi acha nahi laga hai. There are many reasons, like just a second. रीज़न नंबर वन इज़, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पैडिंग है, पैडिंग की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। और बाद में इसके शेल साइज़ के हिसाब से इसकी जो पैडिंग है उतनी स्नग फिट नहीं आती। मेरे हिसाब से अगर आप हेलमेट ले रहे हो, सो इट शुड बी दैट अमाउंट ऑफ टाइट दैट फॉर फर्स्ट वन और वन एंड हाफ मंथ यू शुड बी स्ट्रगलिंग इन स्पीकिंग ऑल्सो। सो इसमें वैसा नहीं था, इसमें कहने को तो चिन कर्टन था लेकिन किसी काम का नहीं था वो। सो गाइज, द मेन रीज़न वाई आई चेंज माई हेलमेट इज़, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड है जिसके ऊपर की हेलमेट का जो वाइज़र है वो ट्रैवल करता है। आई डोंट नो हाउ बट इट गॉट डैमेज, जिसकी वजह से कि क्या हो रहा है, अगर मैं हेलमेट ऐसे वाइज़र ऊपर करके पहन रहा हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं तुरंत वो नीचे हो जा रहा है। एक छोटे बम की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं पहन रहा हूँ वो अपने आप नीचे आ जा रहा है। अभी इसके रिपेयरिंग के लिए मैं SMK के जो डीलरशिप है वहाँ पे गया था, लेकिन ये पार्ट मिला नहीं, और अगर मिलता भी तो टोटल खर्चा जाता था कुछ तो भी 1700-1800 रुपये। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा मैं न्यू हेलमेट ही क्यों ना ले लूँ। सो नाउ आई एंडेड अप बाइंग दी LS2 FF302 हेलमेट। सो लेट्स अनबॉक्स दैट हेलमेट। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी हियर इज माई हेलमेट। तो चलो सबसे पहले इसके जो प्रोटेक्टिव शील्ड है इस पे और इसके सन वाइजर पे उसको निकाल दो। ऑल राइट गाइस, सो एज यू कैन सी ओवर हियर इज माई हेलमेट। नाउ दिस हेलमेट हैज ट्विन वाइजर एज यू सॉ, ओवर हियर इज द क्लियर शील्ड and inside is a sun visor as you can see over here। तो अभी ये हेलमेट लेते समय मेरे लिस्ट में थे टोटल 3 हेलमेट जिसमें कि ये हेलमेट बिल्कुल नहीं था। सो दैट लिस्ट कंसिस्टेड ऑफ AGV K3 SV MT-Thunder 3 एंड HJC R17 हेलमेट। अभी तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। MT अच्छा हेलमेट था, उसमें सन वाइजर था, इनफैक्ट पिनलॉक वाइजर था,
उसके सामने मैं माउंट आराम से कर देता था क्योंकि कर्व था छोटा, थोड़ा कर्व था, ऐसे ज़्यादा कोई इंटेंस कर्व नहीं था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि डबल डी रिंग था। अभी डबल डी रिंग क्या होता है, अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो स्ट्रैप है वो क्विक रिलीज है, आपने बस ये टैप पुल किया ये बाहर आ जाएगा। लेकिन डबल डी रिंग ऐसा नहीं रहता, उसमें रिंग्स रहते हैं डी शेप में दो, और आपको स्ट्रैप उसके थ्रू ले जाके करना पड़ता है, जो कि हाईवे टूरिंग और इन सब के लिए अच्छा है। लेकिन मैं मेरे हेलमेट सिटी में भी यूज़ करता हूँ, और बार बार उसको खोलना बंद करना ये इतना पॉसिबल नहीं है। सो देयर वॉज अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दैट हेलमेट। नाउ दूसरा हेलमेट था AGV K3SV, सब कुछ अच्छा, क्विक रिलीज स्ट्रैप था, उसमें सन वाइज़र था, अच्छा क्लियर वाइज़र था। उसमें ये प्रॉब्लम था कि जो आगे आप नोज़ देखेंगे बहुत पॉइंटेड है, तो उस पर माउंट लगाना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। माउंट लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए मुझे डायरेक्ट ड्रिल करना पड़ता, जैसा कि इमरान भाई ने किया। हाँ, उनके पास भी AGV K3SV है, उन्होंने डायरेक्टली ड्रिल करके स्क्रू कर दिया, लेकिन भाई वो मैम मेरे हेलमेट के साथ नहीं कर सकता। थर्ड हेलमेट था, जैसे कि मैंने बताया, HJC R17 हेलमेट। नाउ आई ट्राइड टू फाइंड दैट हेलमेट वेरी मच बट आई डिड नॉट, सो वो तो अपने आप कैंसिल हो गया लिस्ट में से। फिर जब ये सारे हेलमेट शॉर्ट लिस्टेड हो गए, देन आई वेंट टू LS2 स्टोर ओवर हियर इन नासिक कॉल्ड राइडर स्टूडियो। वहाँ पे मैंने ये हेलमेट देखा। वहाँ पे पहले मुझे एक दूसरा हेलमेट अच्छा लगा था, उसका सीरीज नंबर मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसका भी यही प्रॉब्लम था, यहाँ पे ऐसे कर्व था बहुत ज़्यादा, तो माउंट करना उस पर भी इम्पॉसिबल था। सो फिर मेरी नज़र पड़ी इस हेलमेट पे। इस हेलमेट में जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल वाइज़र भी है, सन वाइज़र भी है। इस हेलमेट में एक चीज़ नहीं है जो उस हेलमेट में था, वो है पिन लॉक वाइज़र। अब ये पिन लॉक वाइज़र क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा SMK का हेलमेट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो ऐसे पिन्स हैं यहाँ पे, और इसके वाइज़र के अंदर एक फिल्म है जिसको कि पिन लॉक इंसर्ट बोलते हैं। उसके वजह से क्या होता है, एक उस स्पेसिफिक एरिया में सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से कि ये वाइज़र पे फॉग नहीं आता है। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट वाइज़र बट आई डिड नॉट फाइंड फॉर दिस। अभी ये हेलमेट लेते समय भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। सबसे पहले था ग्राफिक्स का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स पे कोई बहुत ब्राइट ग्राफिक्स नहीं है, ज़्यादा इसका बेस कलर ब्लैक ही है, उस पर बस स्ट्राइपिंग है ऑरेंज कलर की। प्रीवियसली मेरा जो SMK का हेलमेट है बहुत ब्राइट था, तो मुझे ब्राइट हेलमेट्स की आदत है। जो स्टोर्स में, जो कि राइडर स्टूडियो के स्टोर्स में जो हेलमेट्स अवेलेबल थे इस सीरीज़ के थे, वो था ब्लैक कलर, फिर एक था ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और एक था ब्लैक उस पर रेड स्ट्रिपिंग, लेकिन वो इतनी भी नहीं थी। फिर मैंने गूगल सर्च किया उस हेलमेट का और देखा कि कौन कौन से ग्राफिक्स आते हैं, तो फिर मेरी नज़र पड़ी इस ग्राफिक पे। नाउ आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दिस ग्राफिक्स एंड आई फाइनली फाउंड दैट ऑन Amazon। हाँ, मैंने ये Amazon से लिया है। सो दिस हेलमेट कॉस्टेड मी 7,300 रुपीज़। ये ग्राफिक्स जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ऑरेंज कलर बहुत है, और ऑब्वियसली मेरे ड्यूक पे मैच करता है, थोड़ा प्योर ब्लैक कलर नहीं मैच करता, तो ये रीज़न था कि मैं इस हेलमेट के लिए गया। नाउ एक प्रॉब्लम है इस हेलमेट के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे XL साइज़ ज़्यादा अच्छे से होता, ये है L साइज़, तो मुझे ये चला तो जाता है अच्छे से, अच्छा स्नग फिट रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा स्नग है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको 1.5 महीने तक यूज़ करूँगा, अगर इसका कुशन उतना सॉफ्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसके अंदर के पैडिंग चेंज कर दूँगा। XL और L साइज़ का जो हेलमेट है इसमें, उसके शेल साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पैडिंग की डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत थिक पैडिंग है, XL साइज़ में थोड़ा थिन आएगा, तो फिर उसका कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पैडिंग भी चेंज कर दी तो फिर हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो अबाउट सेटिंग अप माई हेलमेट, मीन्स मैं कैसे माउंट लगाता हूँ, कैसे अपना इंटरकॉम लगाता हूँ और ये सब। सो बी ट्यून्ड ऑन माई चैनल। All right guys, so here I end my video. Hope you enjoyed it. If you haven't already subscribed, then click here to subscribe and click here to see my last video, and I'll catch you up in the next video. Goodbye.